जी, मेरा नाम रणजीत राय है। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और वर्तमान में काशी क्षेत्र का प्रभारी हूं। आज प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या उद्देश्य? 25 जनवरी को पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा 9 मतदाता सम्मेलन का कार्यक्रम कर रहा है। इस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन प्राप्त होने वाला है। इसी कार्यक्रम के निमित्त हम लोग काशी वाराणसी लोकसभा के कार्यकर्ताओं की जिला और महानगर के कार्यकर्ताओं की तरफ से संयुक्त हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम वाराणसी लोकसभा के 9 मतदाताओं को आग्रह करने के लिए हम लोगों ने बुलाया है कि हमारा सम्मेलन 25 जनवरी को प्रत्येक विधानसभा में 4 स्थानों पे होने वाला है। इसमें भी जो भी नौजवान पहली बार 2024 में वोट करने वाला है, ऐसे नौजवान हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसके लिए हम लोगों ने आग्रह करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। कार्यक्रम कहाँ होगा? हमारे वाराणसी लोकसभा के अंतर्गत 5 विधानसभा आते हैं और 5ों विधानसभाओं में 20 स्थानों पर हमारे कुल कार्यक्रम हो रहे हैं। हर कार्यक्रमों के लिए एक मंडल स्तर पर हम लोग कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। हमारा संगठन का ढांचा मंडल स्तर का है, तो हम लोगों ने मंडल स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है पूरे महानगर के 3 विधानसभाओं में और वाराणसी जिले के 2 विधानसभाओं में हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुख्य अतिथि के रूप में, चूंकि कार्यक्रम हमारा प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं, तो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकसभा सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। बच्चों के उम्र जो 18 साल के प्लस हैं, हमारी सरकार हमेशा नौजवानों के को ध्यान में रख के जन कल्याणकारी योजनाएं चाहे रोजगार का अवसर देने का काम की है। हमारे निश्चित तौर पे हमारी सरकार आगे भी और वर्तमान में भी नौजवानों को रोजगार देने का सर्वाधिक कोई काम किसी पार्टी की सरकार ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने किया है।